Hello friends very warm welcome to LK Academy. I hope everyone of you is safe and doing well at your home. So today we will continue with our current affairs lecture and we will cover more topics from the uh, September month. So we have various important topics that we need to cover for this month. I hope that you have gone through all the previous lectures of the September month. It is very important as some of the topics are you know interrelated and that's why it is important that you uh, went through the uh, previous lectures as well. सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सी पी ई सी टू अफग़ानिस्तान इंडियन सिक्योरिटी के लिए इंडिया की सॉवरनिटी के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉट इज द सी पी ई सी सो सी पी इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि स्टार्ट हुआ था दो हज़ार तेरह में इंडिया बहुत ज़ोर शोर से पिछले कुछ सालों से सी का अपोज़ कर रहा है वाई बिकॉज CPEC सी का कुछ जो स्ट्रेच uh, है कुछ हिस्सा जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है नाउ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी सो इंडिया ने उसको अपनी सॉवरनिटी के लिए ख़तरा बताया है सी का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हो तो आपने पिछले ही महीने यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और थर्टीन फोटीन जितने चाइनीज़ इंजीनियर जो थे जो सी सी के लिए काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी तो रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ डिस्कस्ड तालिबान लेड अफ़गानिस्तान जॉइनिंग द मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो देखिए मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इससे पहले हमें बीआरआई या वन बेल्ट वन रोड के बारे में समझना है सो so, आगे की स्लाइड में वी विल ऑल्सो सी दैट सो चाइना हैज़ प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशावर काबुल मोटरवे एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी सी इन अफ़गानिस्तान Taliban takeover of Afghanistan and China emerging as a major challenge in the form of the extension of its ambitious CPEC has raised India's concerns on economic, political, and security fronts. ओके सो इंडिया बहुत सालों से इसका विरोध कर रहा है द रीज़न बीइंग कि वो जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा है विच इज़ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ से होकर गुजर रहा है क्या है सी पी ई सी सो सी पी ई सी इज़ अ बाइलेट्रल प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना जो कि चाइना से शुरू होकर पूरे ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कवर करेगा पाकिस्तान के बीच से गुजरेगा और पाकिस्तान के बहुत बड़े पोर्ट ग्वादर तक जहाँ पे बहुत बड़ा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ तक वो आ, जाएगा और उसको पूरे एक आ, रोड एंड मेरी रूट जो है उसको कंप्लीट करेगा सो इट इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस द पाकिस्तान विथ एन नेटवर्क ऑफ हाईवेज रेलवेज एंड पाइपलाइंस अकंपनीड बाय एनर्जी इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इट एम्स टू लिंक दि वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना देट इज़ शिंजियांग प्रोविंस टू दि ग्वादर पोर्ट इन बलुचिस्तान पाकिस्तान वाय खुंजबर्ग पास इन दि नॉर्दन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इट विल पेव दी वे फॉर चाइना टू एक्सेज दी मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फ्रॉम ग्वादर पोर्ट अनेबलिंग चाइना टू एक्सेज दी इंडियन ओशन दो आपने श्रीलंका का हम्बन पोर्ट हम्बन डोटा पोर्ट के बारे में हमने बात की है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया तो धीरे धीरे चाइना जो है वो इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहा है इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा चाबहार पोर्ट ईरान में लगाया है सी पी इज़ अ पार्ट ऑफ the belt and road initiative that is bri so the bri launched in 2013 एम्स टू लिंक द साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया गल्फ रीजियन अफ्रीका एंड यूरोप विथ अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट तो देखिए इंडिया ने बी आर आई में जुड़ने से स्ट्रांगली मना कर दिया है क्योंकि इंडिया चाइना के साथ कोई भी डेट में जाना नहीं चाहता इंडिया हैव बिन सीवियरली क्रिटिकल ऑफ़ सी पी ई सी एज इट पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सो आप ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है इतने सालों से वहां पे उठाकर अपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया वो दोनों पार्टीज की मंजूरी के बिना किसी थर्ड पार्टी आ, को इन्वॉल्व करके चाइना इज अ थर्ड पार्टी इन द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर सो so, इसके लिए इंडिया ने हर इंटरनेशनल फोरम पे ये सवाल उठाए हैं दैट चाइना एंड पाकिस्तान कैन नॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एज इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी ओके okay, और दिस इज द रूट द रेड लाइन शोइंग इन द मैप इज द रूट ऑफ दी पी सी देखिए इंडियन बॉर्डर के कितने नजदीक से होकर गुजर रहा है सो so, यहाँ पे भी जो पूरा पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ के लिए भी दिस इज़ अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी ओके और यहाँ पे पूरा ग्वादर पोर्ट है सो दिस इज़ नियर टू अरेबियन सी दिस इज़ ईरान तो यहाँ पे कहीं पे चाबार पोर्ट है जो कि ग्वादर को चाइनीज ग्वादर के चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए हमने बनाया है इम्प्लीकेशनस क्या होंगे सो इम्प्लीकेशन ऑफ अफगानिस्तान ज्वाइनिंग सी पी सी ऑन इंडिया फीलिंग द वाइड सो इन अफ़गानिस्तान चाइना इज़ ट्राइंग टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड आफ्टर द यू एस फोरिस लेफ्ट अफ़गानिस्तान इकोनॉमिकली एंड गेट्स द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गोइंग तो देखिए अफ़गानिस्तान में जब चुनी हुई गवर्नमेंट थी तो उनके इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे बट आफ्टर द तालिबान टू कोवर वी कैन नाट प्रिडिक्ट हाउ द रिलेशन बिटवीन अफग़ानिस्तान एंड इंडिया विल गो इन द फ्यूचर इन नेक्स्ट नियर फ्यूचर राइट सो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है अफग़ानिस्तान क्यों क्योंकि अफगानिस्तान हैज़ ऑलरेडी शोइंग इंटरेस्ट बिल्डिंग स्ट्रॉगर रिलेशन विथ चाइना देन इंडिया अंडर माइनिंग चाबहार पोर्ट सो दोर मोस्ट कंसर्न विद अफ़गानिस्तान ज्वाइनिंग सी पी एस सी इज दैट इंडिया इज ऑप्रीहेंसिव ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन जाबहार पोर्ट इन ईरान इंडिया इज वेरी ऑफ अंडर माइनिंग द इंडियन ईरान एंड अफगानिस्तान ट्राई लिटरल दैट गिव अफगानिस्तान एक्सेस टू सी वाई आ चाबाह पोर्ट तो एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान डज नॉट हैव एनी सी कनेक्टिविटी चाबार पोर्ट के थ्रू इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान को अपनी साइड लेकर उनको सी एक्सेस दे दिया जाए वीकनिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान सो अटैम्प्टू एक्सटेंड सी पी एस सी टू अफगानिस्तान मे अंडरमाइन इंडियाज़ पोजिशन एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लिए इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग 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 इकनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनर ओके सो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश चाइना यहाँ पर कर सकता है इंडिया हैज़ बिन द बिगेस्ट रीजनल डोनर टू अफग़ानिस्तान कमिटिंग मोर देन 2 billion US dollar for the developmental work that includes construction of roads power plants dams parliament building rural development education infrastructure and much more so काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा अफगानिस्तान में रहा है बट क्योंकि तालिबान टूक ओवर हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अभी थोड़ा खतरे में है विद एक्सटेंशन ऑफ सी पी सी चाइना विल प्ले अ लीडिंग रोल इन अफ़गानिस्तान ओवर पावरिंग इंडियाज इकनॉमिक इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान तो एक बार अगर चाइना से इन कर लेता है तो देन इंडिया के लिए अपना प्रेजेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर सो uh, so ये हमारे जो Uh, पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है अफ़गानिस्तान को लेकर और मिडल मिडल एशिया को लेकर उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस यहाँ से पैदा हो सकता है टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स तो गिवन लिमिटेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफ़गानिस्तान चाइना इज़ इन बेटर पोजिशन टू लेवरेज इट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन अफ़गानिस्तान फर्दर Afghanistan's inclusion in the CPEC will definitely help in the economic development, but it will also help Pakistan gain the strategic advantage and upper hand in Afghanistan at the cost of India. In this situation, Pakistan may augment, you, uh, augment use of the terrorism against India. So, see, we have already seen this. <laughs> देर आर uh, जो ड्यूरेंड लाइन है बिटवीन इट इज़ अ बॉर्डर बिटवीन दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो वहाँ पर जो चहल पहल है हलचल है वो बढ़ गई है मीनिंग क्योंकि तालिबान विल इजी अलाउ एक्सेस टू पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड पाकिस्तानी टेररिस्ट इन देर लैंड ये दोनों देश मिलकर उनकी ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए कर सकते हैं जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रिसेंट यू स्पीच में भी किया है सो so, इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ से पैदा हो गया है कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक एयरबेस Besides its issue with the CPEC, India will be wary of the likelihood that China may try to take over the uh, Bagram Air Force Base in Afghanistan. The Bagram Airport is the biggest airport and technically well equipped, as the Americans kept it for their use till the end instead of the Kabul Airport. एक्सप्लोइटेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स तो जिसके बेस पे अफ़गानिस्तान इकनॉमी चलती है रेयर अर्थ मटेरियल्स को बेचकर उसके ऊपर चाइना का अधिकार हो जाएगा क्योंकि वे चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा सो विद द एक्सटेंशन ऑफ सी पी ई सी चाइना इज ऑल्सो लुकिंग टू एक्सप्लॉइट अफ़गानिस्तान रिच मिनरल्स एंड हाईली ल्यूक्रेटिव रेयर अर्थ माइन्स रेयर अर्थ मेटल्स विच आर की कम्पोनेंट्स फॉर अ होस्ट ऑफ एडवास्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ एंड हाई टेक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तो अगर धीरे धीरे चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बढ़ाता है तो तालिबान विल श्योरली सपोर्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अफगानिस्तान विच इज़ अगेन अ बिग 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 थ्रेट फॉर इंडिया ओके सो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू अवर फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू रिसेंटली अप्रूव्ड पीएम पोषण स्कीम सो रिसेंटली रीसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम और प्राइम मिनिस्टर पोषण फॉर प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स सो द स्कीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर मीड डे मील इन स्कूल्स और मीड डे मील स्कीम ओके तो वेरी बैलेंस्ड डाइट अब स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा इट हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ़ फाइव ईयर्स फ्रॉम द फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तो पाँच सालों के लिए पी एम पोषण स्कीम लॉन्च की जाएगी वॉट इज मिड डे मील स्कीम मध्याहन भोजन योजना जिसे हम कहेंगे सो द मिड डे मील स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कीम लॉन्च की थी वाई बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया में जो बी पी एल फैमिलीज़ के जो बच्चे थे क्योंकि वो इतने गरीब थे वो इतने फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि वो लोग पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनको उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर जाकर पैसा कमाना पड़ता है छोटी उम्र में तो उनको ललचाने के लिए स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो जो है जो है उसको घटाने के लिए मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई ताकि बच्चों को एक टाइम का खाना स्कूल में ही दिया जाए ताकि खाने की लालच में बच्चे अगर पढ़ाई के लिए आते हैं तो इस तरीके से वी कैन इंक्रीज़ अवर लिटरेसी रेट सो द मिड डे मील स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच वॉज अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च इन नाइनटीन चलिए बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड वॉट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि हंड्रेड परसेंट जो फंडिंग है दैट इज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट द प्री डिसाइडेड अमाउंट और बाकी का जो अमाउंट है वो अलग अलग पार्टीज देगी कभी बैंक देगी कभी स्टेट गवर्नमेंट देगी कभी बेनिफिशियरी खुद देगा सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ओके आई वु आई वुड एडवाइज़ यू दैट यू राइट डाउन फाइव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और फाइव सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू अंडरस्टैंड दिस बेटर सो द मिड डे मील स्कीम स्किन इज अ सेंट्री स्पॉन्सर्ड जो कुछ हिस्सा है इसका कुछ फंडिंग पार्शियल फंडिंग फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च इन नाइनटी फाइव इट इज कंसिडर्ड एज दर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम एम्ड टू अटेन दी गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन Provides cooked meals to every child within the age group of 6 to 14 years, studying in classes from 1 to 8 who enrolls and attends to the school. In the midday meal, it is not provided in school at any school. डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और एनी अदर रीजन द स्टेट गवर्नमेंट शेल पे द फूड सिक्योरिटी अलाउंस बाई फिफ्टी ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ओके तो अगर किसी वजह से अगर खाना नहीं दिया जाता तो उसका जो अलाउंस है सिक्योरिटी अलाउंस वो यहाँ पर दिया जाएगा पी एम पोषण स्कीम क्या होगी सो so इसका कवरेज होगा सो द स्कीम विल कवर एटीन पॉइंट एट करोर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास वन टू एट इन ओवर इलेवन पॉइंट टू लैक स्कूल्स अक्रॉस दी कंट्री इसमें सारी ही चीज़ें आ गई स्टेट स्टेट भी आ गए और यूनियन टेरिटरीज भी आ गई प्राइमरी दैट इज़ 1 टू 5 स्टैंडर्ड एंड अपर प्राइमरी दैट इज 6 टू 8 स्टैंडर्ड स्कूल चिल्ड्रन आर करंटली एंटाइटल्ड टू 100 ग्राम्स एंड 150 फिफ्टी ऑफ फूड ग्रेन्स पर वर्किंग डे ईच टू एनश्योर अनिमम ऑफ 700 कैलोरीज द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्री प्राइमरी और बाल वाटिकाज जूनियर के जी सीनियर के जी रनिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल्स तो यहाँ वहाँ पर भी अब मिड डे मील स्कीम को विच इज़ नाउमिंग पी एम पोषण स्कीम उसको वहाँ पर लॉन्च uh, किया जाएगा बाल वाटिका इज द प्री स्कूल दैट वॉज स्टार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स लास्ट ईयर टू इंक्लूड चिल्ड्रन एज्ड यंगर देन सिक्स ईयर्स इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो वहाँ पर उनको कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी बेसिक सी चीजें सिखाई जाएगी वहाँ सो बेसिक्सिकासमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखा जाएगा इंदी पी एम पोषण सो द न्यू स्कीम दू स्की प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशियन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड दोथ हाई प्रिविल इट डज अवे द रिस्ट्रिक्श दार्ट ऑफ द सेंटर टू प्रोवाइड फंड्स ओनली फॉर वीट राइट्स, पल्सिस एंड वेजिटेबल्स सो अब बाकी की चीज़ों के लिए भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा करंटली इफ अ स्टेट डिसाइड्स टू एड एनी कंपोनेंट लाइक मिल्क और एग्स टू द मेन्यू द सेंटर डज नॉट बेयर द एडिशनल कॉस्ट नाउ द रेस्ट्रिक्शन हैज बिन लिफ्टेड तो अब अगर कोई स्टेट बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर मेन्यू में ऐड करने का डिसाइड करता है तो सेंटर उसके लिए भी पैसा देगा सो so, सेंट्रल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है तिथि भोजन कॉन्सेप्ट सो द कॉन्सेप्ट ऑफ तिथि भोजन विल बी एनकरेज एक्सटेंसिवली वॉट इ वॉट इज़ तिथि भोजन सो so, तिथि भोजन इज़ अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इन विच पीपल प्रोवाइड स्पेशल फूड टू चिल्ड्रन ऑन स्पेशल ओकेजन एंड फेस्टिवल्स ओके और आज कल ये ट्रेंड है कि मान लीजिए आपका बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेज़न है फैमिली में कोई बड़ा सा अगर ओकेजन है या कोई खास दिन है तो नाउ पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग इन रेस्टोरेंट और दे आर नॉट वेस्टिंग मनी ऑन दैट वॉट दे आर डूइंग दे आर डोनेटिंग दैट मनी फॉर फूड टू दनाथ आश्रम एंड लैस प्रिवलेज पीपल सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू एनकरेज दिस काइंड ऑफ कल्चर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज तिथि भोजन अंडर द पी एम पोषण स्कीम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा सो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इज टू बी अपॉइंटेड इन ईच स्कूल हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर दट देल्थ एस्पेक्ट सच एज अ बॉडी मास इंडेक्स एंड देर आर मल्टीपल अदर हेल्थ एस्पेक्ट्स वेट एंड हिमोग्लोबिन लेवल्स आर एड्रेस्ड ओके जो सबसे बड़ी बेसिक गैप uh, है हमारे सिस्टम uh, में तो हमने पिछली बार भी जब पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एवरी सेकेंड लेडी और एवरी सेकेंड वुमेन इन द इंडिया इज एनिमिक मतलब उसमें जो बेसिक न्यूट्रिशन है उसकी कमी है इन द एवरी सेकेंड वुमेन तो उसको एड्रेस करने का यहाँ पर uh, कोशिश की जाएगी थ्रू द वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मील Social audit of the scheme. So, a social audit of the scheme has also been mandated for each school. इन द स्टेट टू स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम विच वॉज सो फार नॉट बींग डन बाई ऑल द स्टेट्स हमने मिड डे मील स्कीम की जो क्वालिटी है फूड क्वालिटी हाउ द मिड डे मील स्कीम इज गोइंग उसमें कितने कितने करप्शन होते हैं हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है ऐसे सारी चीज़ें आए दिन पेपर में आती रहती है उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट विल नाउ ब्रिंग द सोशल ऑडिट ऑल्सो कि रेंडमली ऑडिट किया जाएगा स्कूल्स में जाकर ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके कोई अगर गैप है तो उसको तुरंत फिल किया जा सके द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो एंगेज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू मोनिटर दिस स्कीम एट लोकल लेवल देखिए कितनी बड़ी बात है ओके okay, जो यूथ है हमारा विच इज वेल अवेयर नाव डेज उनको बोला जाएगा कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में रेंडमली जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए दैट द मिड डे मील स्कीम और पीएम पोषण स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है सो दैट शुड बी रिपोर्टेड एट द लोकल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल ताकि उसको सही किया जा सके और जो करप्शन uh, या हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है उसको सजा दी जा सके ओके फंड शेयरिंग क्या होगा एज इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सो पार्शियल पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी बाकी का पैसा कहीं और से आएगा सो द सेंटर गवर्नमेंट विल बेयर 54,000 फोर टू द टोटल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट 1.3 पॉइंट करोड़, लेख विथ द स्टेट्स पेइंग रुपीज थर्टी करोड़ इन टोटल ओके सो रुपीज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड विल बी रिलीज बाई द सेंटर एज अ सब्सिडीज फॉर फूड ग्रेन्स तो मेजोरिटी ऑफ दी जो पैसा है ऑलमोस्ट स्टेट से डबल पैसा सेंट्रल uh, गवर्नमेंट दे रही है और बाकी का जो पैसा पैसा है वो किसको कि, uh, किसकी तरफ से दिया जाएगा uh, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से बैर किया जाएगा वोकल फॉर लोकल फॉर आत्मनिर्भर भारत सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ़ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम विल बी एनकरेज यूज़ ऑफ लोकली ग्रोन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स फॉर अ फिलिप टू लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी एनकरेज तो जो लोकल लेवल पे जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जैसे गृह उद्योग हो गया तो उनको एनकरेज किया जाएगा टू प्रोवाइड दी मील्स ताकि गवर्नमेंट उनसे ख़रीदी करेगी और जब उनसे ख़रीदी होगी तो जो लोकल इकोनॉमी है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की उनकी भी ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल हेल्प हो जाएगी सो दिस इज़ दी ओवरऑल आइडिया ऑफ पी पोषण स्कीम विच विल रिप्लेस दी मिड डे मील स्कीम फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ईयर सीरियस हंगर लेवल एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज पेइंग दिस मच अटेंशन सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड नाइन्टी फोर अमोंग वन जीरो सेवन कंट्रीज इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया हैज़ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस तो इंडिया जो है वो सीरियस हंगर लेवल कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंस्पायर सेट वन क्यूब सेट सेटेलाइट सो इंस्पायर सेट क्यूब सेट डेवलप्ड अंडर द इंटरनेशनल सेटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन इज रेडी फॉर लॉन्च ओके सो नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल सेटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन सो ये वन काइंड ऑफ अ कंबाइंड स्पेस प्रोग्राम है जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ साथ में मिलकर चला रहे हैं

कब कब वो चेंजेस होते हैं ये सारी डिटेल इंस्पायर सेट वन से स्टडी की जाएगी एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज एन एक्सपोनेंशियल चेंज ऑफ प्लस और माइनस वन इन द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी और यूनिट इन वेट लेस देन टन के इट वेट वे लेस देन टेन के जी एंड विल बी लॉन्चड अब्रॉड एंड अपकमिंग पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए इंडिया का जो पी एस एल वी व्हीकल है वो यहां पर यूज होगा पी एस एल वी इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस It is a four-staged launch vehicle with first and third stages using, using solid rocket motors and second and fourth stages using liquid rocket engines. Who developed this? So uh, the satellite we are talking about. So Laboratory for Atmospheric and Space Physics LASP at the University of Colorado, Boulder in the USA. So first country is USA. Then National Central University, Taiwan. Uh, Nanyang Technological University in Singapore, and Indian Institute of Space and Science and Technology (IIST) uh, from India. What is Inspire? So Inspire is a consortium of universities which, with active space programs, formed to advance space science and engineering. A consultation of Earth and Space Weather Observation Satellite is envisaged under the Inspire program, which includes a series of Inspires, uh, which is Inspire Set 1 to Inspire Set 7 Okay, so basically जो alag अलग कंट्रीज़ uh, हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये एक्टिव स्पेस प्रोग्राम चल रहा है वो इसको करेंगे। Okay, you can see that Canada यूएसए जापान जर्मनी ताइवान ऐसे जो कंट्री है वो सारे यहाँ पर साथ में आते हुए हमें दिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एज ऑफ नाउ अब इसका पार्ट नहीं है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बी थ्री डब्ल्यू इनिशियेटिव बट लेट मी टेल यू अ बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक दैट वाई वी आर स्टडिंग दिस सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट चाइना ने एक बहुत बड़े बेस बहुत बड़े स्केल पर जो सालों पुराना जो सिल्क रूट था उस सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए चाइना हैज़ स्टार्टेड वन बेल्ट वन रोड इनिशियेटिव और बी आर आई बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव इन टू इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एशिया के मल्टीपल कंट्रीज़ मिडिल एशिया के मल्टीपल कंट्रीज़ यूरोप के मल्टीपल कंट्रीज़ आर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं विथ चाइना तो इस केस में क्या होगा इस केस में होगा ये कि चाइना का इन्फ्लुएंस बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ़ दी पूरे वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ़ दी कंट्रीज पे बढ़ता जाएगा विच यू एस ए डज नॉट वॉन्ट तो यू एस ए और जर्मनी या जापान जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं विच आर सुपर पावर्स उनके लिए ये बड़ा ख़तरा है सो so इसको काउंटर करने के लिए इन ट्वेंटी अंडर यू एस एज़ लीडरशिप ऑस्ट्रेलिया एंड जापान केम टूगैदर सो दि दिस थ्री कंट्रीज यू एस ए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड अ ब्लू डॉट नेटवर्क सो ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है सो बेसिकली ब्लू डॉट नेटवर्क वर्क एज अ कंसल्टिंग एजेंसी वी ऑलरेडी नो अबाउट हम्बन डोडा पोर्ट कि कैसे हम्बन डोडा पोर्ट में चाइनीज फंडिंग की मदद से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया इन श्रीलंका वो प्रोजेक्ट जब मिजरेबली फेल हो गया तो चाइना ने अपना लोन रिकवर करने के लिए श्रीलंका के पास हम्बन डोटा पोर्ट का एक्सेस लीज पे ले लिया फॉर 99 नाइन ईयर्स ओके सो अब वो पूरा पोर्ट उसका कंट्रोल उसके जो तौर तरीके हैं वो किसके हिसाब से चलेंगे चाइनीज इन्फ्लुएंस के हिसाब से चलेंगे फॉर नेक्स्ट 99 नाइन ईयर्स इन दिस पीरियड चाइना विल बिल्ड अ लार्जर कॉलोनी इन हम्बनडोटा पोर्ट और सौ साल के बाद क्या होगा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ओके और आपने देखा है कि इंडिया में जैसे अंग्रेज आए पहले ट्रेड के पर्पज से और फिर उन्होंने अपना हक जमा लिया दैट दिस इज़ आवर लैंड नाउ सो वैसा कोई अगेन फ्यूचर हम चाइना के लिए भी देख सकते हैं बिकॉज दैट इज़ इन चाइनाज़ पॉलिसी ऐसा बाकी सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ ना हो दैट्स वाई ब्लू डॉट नेटवर्क केम इन टू एग्जिस्टेंस और ब्लू डॉट नेटवर्क जो जो कंट्रीज चाइना के पास uh, लोन लेने की सोच रहा है फ़ॉर द देयर डेवलपमेंट या फॉर देयर प्रोजेक्ट्स इन देयर कंट्री ब्लू डॉट नेटवर्क ऐसे कंट्रीज को एडवाइस करेगा दैट दिस प्रोजेक्ट चाइना इज फंडिंग इन योर कंट्री इज एट टू वॉट एक्सटेंट दैट प्रोजेक्ट इज एक्चुअली फिजिबल ठीक है चाइना को तो लोन देना है तो चाइना आपको बोलेगा कि हाँ चलो बहुत बड़े बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा आपका जी डी पी ग्रोथ करेगा एटसेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट दैट इज नॉट करेक्ट वाई बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन हम्बन डोटा पोर्ट तो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो ऐसे कंट्रीज़ को मदद करेगा टू गेट द फिजिबिलिटी रिपोर्ट दैट वेदर दैट प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली वाइबल ऑन द ग्राउंड और नॉट वो प्रोजेक्ट जब एक्चुअली बन के रेडी होगा आज से दस साल बाद या बीस साल बाद तो वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर भी पाएगा वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर भी पाएगा वो इको फ्रेंडली है या नहीं है क्या क्या उसके रेपोकोशन हो सकते हैं जो चाइना ने नहीं बताए है आपको तो वो सारी रिपोर्ट ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा Now let's say the country is convinced. Okay, I am not going to take a loan from China. You provide me the loan because I do not have the money, but I have to build some kind of developmental project in my country. तो यहाँ पे बात अटक जाती थी कि Blue Dot Network के जो तीन कंट्रीज थे वो बोलते थे कि नो, we cannot fund you that kind of money. Okay, so हम आपको सिर्फ कंसल्टिंग दे सकते हैं, you drop this project. तो वो कंट्री नहीं मानता ओके एक दैट चाइना इफ चाइना इज फंडिंग मी एंड यू आर जस्ट एडवाइजिंग मी सो हुम शुड आई सिलेक्ट आई शुड सिलेक्ट चाइना बिकॉज चाइना इज ऑल्सो फंडिंग मी वो उसकी टेक्नोलॉजी भी मुझे दे रहा है वो उसका लेबर भी मुझे दे रहा है ओके एटसेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो ब्लू डॉट नेटवर्क का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बी थ्री डब्ल्यू तो क्योंकि जी सेवन के दो कंट्रीज जापान एंड यू एस एल्सो पार्ट ऑफ बी थ्री डब्ल्यू उन्होंने जी सेवन के विच आर वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमीज उनके सामने ये बात रखी दैट ब्लू डॉट नेटवर्क में वी आर प्रोवाइडिंग दी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वायबिलिटी रिपोर्ट टू द कंट्री बट दे नीड फिनशियल सपोर्ट फ्रॉम अस तभी जाके हम एक्चुअल मीन्स में चाइना को काउंटर कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ाने के लिए ब्लूडॉट नेटवर्क के कंसल्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें फंडिंग एड की गई जो प्रोग्राम बनाया गया दैट प्रोग्राम इज गिवन द नेम एज बी थ्री डब्ल्यू ओके सो आई होप नाउ वी आर क्लियर और बी थ्री डब्ल्यू के अंडर में जी सेवन कंट्रीज़ जो है वो ट्वेंटी थर्टी फाइव तक ऑलमोस्ट नियरली फोर्टी ट्रिलियन जितना uh, पैसा जो है वो लोन के तौर पर छोटे बड़े कंट्रीज़ को देंगे जिसमें लेटिन अमेरिका के कंट्री हो गए एशिया पैसिफिक के कंट्रीज़ हो गए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गए ओके चलिए सो यूएस ऑफिशियल्स आर सेट टू विजिट लेटिन अमेरिका to look for possible projects for the build back better world initiative. b3w is an international infrastructure investment initiative announced by the group of seven countries, richest democracies in june 2021. so g7 are the group of most advanced economies of the world. the b3w initiative is being seen as the us initiative to counter china's belt and road initiative.

कंपोनेंट्स क्या होंगे बी थ्री डब्ल्यू के सो थ्रू बी थ्री डब्ल्यू द जी सेवन एंड अदर लाइक माइंडेड पार्टनर्स विल कोऑर्डिनेट इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन फोर फोकस्ड एरियाज विच इज़ क्लाइमेट हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी तो ये चार मेन जो आपके एरियाज है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा वैल्यूज ड्रिवन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ना वॉट इज वैल्यूज ड्रिवन डेवलपमेंट सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैरीड आउट इन अ ट्रांसपरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर तो देखिये चाइना के साथ जब आप डील करते हो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी चाइना विस्तारवादी नीति पे चलता है ओके एंड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हॉन्गकॉन्ग को चाइना हथियाना चाहता है टाइना के ऊपर चाइना अग्रेशन जमा रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना अग्रेशन जमा रहा है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड लद्दाख uh, ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें चाइनीज अग्रेशन देखने को मिलता है सो so, उसको भी काउंटर किया जाएगा बेस्ड ऑन वैल्यू ड्रिवन डेवलपमेंट सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैरीड आउट इन अ ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर फिनांशियली एनवायरमेंटली एंड सोशली विल लीड टू अ बेटर आउटकम फॉर रेसिपियंट कंट्रीज एंड कम्युनिटीज गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रांग स्टैंडर्ड्स सो बी थ्री डब्ल्यू टू इन्फ्यूज इन्वेस्टमेंट बाई कंप्लाइंग विथ दी स्टैंडर्ड्स प्रमोटेड बाई ब्लू डॉट नेटवर्क रिलेटिंग टू दी एन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट लेबर एंड सोशल सेफ गार्ड्स ट्रांसपरेंसी फिनंसिंग कंस्ट्रक्शन एंटी करप्शन एंड अदर एरियाज तो ये सारे एरियाज़ को ध्यान रखा जाएगा ताकि जो लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज है आ, और जो डेवलपिंग नेशन हैं उनको डेवलपमेंट भी मिले और वो आगे भी बढ़ सके और जो चाइना जैसी विस्तारवाद वाली जो नीति है वो यहाँ पे कहीं पे भी इन बिटवीन में नहीं आएगी क्लाइमेट फ्रेंडली होगा सो द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन अ मैनर कंसिस्टेंट विथ अचीविंग द गोल्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आपको पता होगा कि ट्रंप के टाइम पे यू एस ए वॉज ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट बट नाउ दैट देर इज़ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन अगेन एंटर्ड इन टू दी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ध्यान दिया जाएगा सो बी थ्री डब्ल्यू विल एनविसेज कंट्रिंग द अग्रेसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिश अ मोर इंक्लूजिव मोड मॉडल ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट तो चाइना जो है दैट इज अग्रेसिव मॉडल ओके विच वी डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो किसको फॉलो किया जाएगा इंक्लूसिव मॉडल ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट को फॉलो किया जाएगा BRI and associated issues so the BRI project was launched in 2013 it broadly aims to facilitate cross border transportation of goods access to energy creating demand for existing excess capacity in chinese industries china had an overall exposure of investment of around 750 billion between 2013 to mid 2020 however BRI project has been heavily criticized for the following reasons. Western critics have attacked the initiative as new colonialism or the Marshall Plan for the 21st century. BRI is also being seen as a part of China's debt trap policy, wherein China intentionally extends excessive credit to another country uh, with the intention of extricating economic or political concession from the debtor. कंट्री तो देखिए जो श्रीलंका की आज की हालत आप देख रहे हो तो श्रीलंका के पास आज फॉरेक्स मन ही नहीं है फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया है ड्यू टू तो एक्सेसिव लोन जो उसको चाइना को चुकाना है राइट और उसकी वजह से नाउ श्रीलंका इज एं, एं, एंटर्ड इनटू फूड सिक्योरिटी क्राइसिस Also, projects like China-Pakistan Economic Corridor, building a Colombo port city projects in the Sri Lanka are not only commercial in nature but have strategic implications too. सी, जैसे CPEC की ऑलरेडी हमने बात कर ली हमारे इनिशियल लेक्चर में क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल रीज़न स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये सारी चीज़ें आएगी दैट्स वाई इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है और चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे कंट्रीज एक साथ आते हुए हमें दिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाई डी सो रिसेंटली द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल दैट इज नोन एज आकाश प्राइम फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा तो जो उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग है वो चांदीपुर ओडिशा में किया गया

डिफेंस टेक्नोलॉजी इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट आफ्टर कम्बाइनिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द डिरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डी टी डी पी विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा ये मिसाइल आकाश प्राइम मिसाइल सो इन कंपेरिजन टू द एक्स्टिंग आकाश सिस्टम इट इज़ इक्विप्ड विद इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इम्प्रूव एक्ूरेसी

development and production so developed by defense research and development uh, laboratory hyderabad in collaboration with other drdo laboratories under the missile and strategic systems akash missile kyahe so akash is a, india's first indigenously produced medium range missile that can engage multiple targets एस का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल ओके सो दैट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स फ्रॉम मल्टीपल डिरेक्शंस एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स लाइक बैटल टैंक्स और व्हील्ड ट्रक्स इट हैज़ नियरली 90 परसेंट किल प्रोबेबिलिटी सो आकाश प्राइम में इसको और बढ़ाया गया है ताकि वो जो टारगेट है उसको हिट करने की जो एक्यूरेसी है वो आकाश प्राइम में बढ़ाई गई है द डेवलपमेंट ऑफ़ द आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वाज स्टार्टेड बाय द डीआरडीओ इन द लेट नाइनटी एटीज एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई इट इज़ यूनिक इन द वे और ये आई जो प्रोग्राम था वो किसका आइडिया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का आइडिया था जिन्होंने इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे लेकर रख दिया है इट इज़ यूनिक इन द वे दैट इट कैन साइमल्टेनियसली एंगेज मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड और ऑटोनोमस मोड इट हैज़ अ बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स फीचर्स which means that it has mechanisms on board that can counter the electronic system that uh, deceive the uh, detection systems the missile is supported by the indigenously developed radar called rajendra it can engage targets at a speed 2.5 times more than the speed of sound and can detect and destroy targets flying at low medium and high altitudes

इंडिया अटेन्स सेल्फ सफिशियंसी आत्मनिर्भरता बेसिकली इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी द फाइव मिसाइल्स डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम्स आर नोन एज पटना विच इज़ पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग एंड आकाश सो पृथ्वी क्या है सो पृथ्वी इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बेलिस्टिक मिसाइल है बेलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है कि उसका ट्रेजिक्टरी विल बी लाइक दिस ओके हाफ सर्कल जैसा उसका ट्रेजिक्टरी रहेगा अग्नि क्या है बैलिस्टिक मिसाइल विथ डिफरेंट रेंजेस आई अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव अलग अलग रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल की त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल नाग इज़ अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए नाग मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा एंड आकाश इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तो ये जो है वो ए पी जे अब्दुल कलाम का आइडिया था एंड बेसिकली आई जी एम डी पी ये जो प्रोग्राम है दैट वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन एटी टू और दो हज़ार बारह में जाकर हमें ये जो पाँच बेसिक मिसाइल्स है उसमें हमें सेल्फ सफिशेंसी मिली तो तीस साल के बाद इंडिया बिकेम द सेल्फ़ सफ़िशिएंट इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी ओके एंड नाउ वी आर डे बाई डे वी आर गेटिंग स्ट्रोंगर इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी Okay. so this was all about akash prime successful testing so this was your today's lecture i hope you have understood all the topics since we have covered almost um, uh, very important topics uh, in this lecture so i would suggest this uh, that please thoroughly go through this topic if any doubt uh, please don't hesitate to reach out to us and we will help you till that time stay home stay safe stay happy thank you